सावन के पहले सोमवार के दिन नाग पंचमी का शुभ संयोग बन रहा है। धर्म ग्रंथों में सावन के महीने को बहुत ही उत्तम और पुण्य मास कहा गया है। इसमें भी सावन के सोमवार का महत्व सबसे अधिक है और नाग पंचमी का योग होने के कारण इस सोमवार का महत्व और बढ़ गया है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ऐसा 125 सालों बाद हो रहा है जब सावन के पहले सोमवार के दिन नाग पंचमी का योग बढ़ा है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक नाग देवता की पूजा करते समय नाग देवता के मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करना चाहिए। ओम नवकुलाय विद्यमहे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र के जप से सर्प दंश का भय दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसे नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस पर्व पर प्रमुख नाग मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और भक्त नाग देवता के दर्शन और पूजन करते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन श्रद्धा और भक्ति से नाग देवता का पूजन करता है उसे और उसके परिवार को कभी भी सर्प भय नहीं होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।